जो बाइडन, जी हाँ जो बाइडन, जो बाइडन ने 25,000 सैनिकों की सुरक्षा के बीच यूएसए के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनके साथ कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण किया। जो बाइडन कौन है, राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे, इन्होंने कितनी पढ़ाई की, इनके परिवार में कौन कौन है, आज हम इसी बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बाइडन का पूरा नाम जोसेफ जो बाइडन है। इनका जन्म 20 नवंबर 1942 में स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं। 1973 से 2009 तक डेलावेयर के सेनेटर के रूप में काम किया। 29 वर्ष की आयु में सेनेट के रूप में चुने गए। इस प्रकार अमेरिकी इतिहास में 6 सबसे कम उम्र के सेनेट बने। सन 2001 से 2017 तक यूएसए के 47वें उपराष्ट्रपति रहे। 2021 से वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और उनके साथ कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति की पद की शपथ लेंगी। इन्होंने डेलावेयर विश्वविद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 1968 में सिरेक्यूज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। 1970 में इन्हें न्यू कैंसल काउंटी का पार्षद चुना गया। बात करते हैं इनके परिवार के बारे में। जो बाइडन ने 2 शादियाँ की। जो बाइडन की पहली पत्नी का नाम था नेलिया। जो बाइडन की पहली पत्नी नेलिया और उनकी पुत्री नामोनी की सन 1972 में कार दुर्घटना में मौत हो गई। उनके 2 बेटे हैं, हंटर और ब्यू। ब्यू की 46 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। 1972 में नेलिया की कार दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके 5 साल बाद जो बाइडन ने जैक निकल से शादी कर ली। बात करते हैं इनके इनकम की। इन दोनों की, जो बाइडन और बिल जैक्स के, इन दोनों के मिला के 1.5 मिलियन US डॉलर इनकम है। जो बाइडन ने आज अपने पहले भाषण में ये कहा, यह लोकतंत्र और उम्मीदों का दिन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।